कहता है उनके साथ कई किसान जिला सचिवालय पहुंचे हैं अपनी मांग को लेकर। क्या इनकी मांग है एक बार इन्हीं से जानेंगे। आप लोगों से अपील ले रहे हैं तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कई किसान मौजूद है। किसान नेता जगदीप सिंह औलख यहाँ पर मौजूद है। सर क्या मांग है, क्यों आप लोग आज इकट्ठे हुए? जो नए ट्यूबवेल के कनेक्शन है, जो नए ट्यूबवेल के कनेक्शन है उसको लेकर जो सरकार ने रोक लगाई है, नहरी विभाग से एनओसी लेने की बात की गई है, वो बिल्कुल गलत है। किसी भी हालत में हम नहीं होने देंगे। सर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों आज किसान जो है जिला सचिवालय? आज ये 2014 में इन्होंने कनेक्शन देने को वादा किया था किसानों के साथ और उस पर 30,000 रुपया भी किसानों से लिया था। उसके बाद जब लोगों ने ट्यूबवेल लगवा लिए, एक लाख साठ हजार रुपया इन्होंने कनेक्शन का भी और जमा करवा लिया, अब ये कनेक्शन देने से मना कर रहे हैं कि जो खेतों में खाड़ है उनसे पानी नारी पाली लेंगे। ना तो अब खेतों में खाड़ है और ना ही नार पानी है, नार के पानी से ना खेती होती है। इनके सलाहकारों को हम बताना चाहते हैं जमीनी स्तर पर जुड़ के देखो खेती ट्यूबवेल से होगी और ऐसे तानाशाही रवैया लोगों के साथ ना अपना। तो ये आप देख सकते हैं किसान जो है वो जिला सचिवालय पहुंचे। हालांकि पहले किसान और पुलिस कर्मियों के बीच में यहाँ पर बातचीत होती हुई नजर आई क्योंकि किसान आगे जाना चाह रहे थे लेकिन पुलिस बल जो है वो सामने खड़ा है और फिलहाल इस तरफ जो है किसानों को भेजा गया जिला सचिवालय से। आप लोग लाइव तस्वीर देख रहे हैं और किसानों की मांग यही है कि नए बिजली कनेक्शन में सरकार द्वारा नहरी पानी की कंडीशन लगाकर कनेक्शन रद्द करने को लेकर ज्ञापन जो है वो सरकार के नाम सौंपने, मुख्यमंत्री के नाम सौंपने के लिए जो है जहाँ पर तमाम किसान पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप लोग कनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं और इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर कीजिएगा। किसान ताऊ यहाँ पर मौजूद है, इसे पर रखे 7 साल है, ब्याज पर ठाका पर रखे बैठे और इन नहीं इनके मारे न ये कह दिया भाई खाल है इनका पानी दामनार का और पानी नहीं थी उसमें बेटे कड़ी भी फसल कैसे होगी बेटे। इन्हें तो नू कर रखे भाई पीछे इनके मिल रहे 7 साल इन्हें ब्याज पर दे रखे और कम से कम एक टोल पर 5 लाख रुपये खर्चा है बेटी, 2 रुपये सैकड़े पर ठा कर दे रखे करते पर लेंगे बेचारे इनका फसल उन्हीं हो रही। जो मेन आज का जो मुद्दा है ये सरकार जब से हरियाणा में आई है जो भी किसानों के बारे में फैसले लेती है जानबूझकर किसानों को परेशान करने के लिए ये कुछ ना कुछ नया कानून या कुछ ना कुछ नई नीति लेके आते हैं जिससे नया फरमान खड़ा हो जाता है। नया फरमान आता हमारे सामने वो आपने गेहूं की खरीद में भी देखा और अब ताजा नए ट्यूबवेल के कनेक्शन 2014 से हमारे लंबित है। हमारा 1.5 लाख रुपया तो सरकार के पास पड़ा है, उसकी ब्याज लगाओ कितनी बनेगी, उसके बाद 2 से 2.5 लाख रुपया बोर लगवाने का खर्चा आया, पाइप लाइने कराई और अब सरकार ने नया तुगल की फरमान लेके आ गई भाई आप जिस खेत को भी नहरी पानी लगता है उसको आपका नहीं मिलेगा कनेक्शन। तो प्रशासन अंदर जाने से क्यों रोक रहा है? कोई बात नहीं, अब यहाँ पर अफसर को बुला देंगे, यही आ गए हैं, हमारे मन में अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुँचानी है। यदि यहाँ तो सरकार हमारी ये बात मान ले एक दो दिन के अंदर, नहीं तो ये कनेक्शन हमने इनको 7 साल से पैसे दे रखे हैं, नहीं तो फिर दूसरा रास्ता भी बनाएंगे, सड़क का रास्ता भी बनाएंगे। देखो ये आप साफ लगा सकते हो ये मुख्यमंत्री कितना किसान विरोधी है, सरकार कितनी किसान विरोधी है। इतना कुछ होने के बाद भी ये लगातार फिर भी जानबूझ के ऐसे ये डिसीजन ले रहे हैं। आप देख सकते हैं जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं किसानों से बातचीत करने के लिए और उनका ज्ञापन लेने के लिए। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय करनाल के जिला सचिवालय से देख रहे हैं और इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। ऐसे है जी, देखो जो हमारी आवाज ऊपर तक बहुत ही लगता है ये है भाई धान का सीजन हमारे सिर पे आ गया, हमने अब धान लगानी है। नए बिजली के कनेक्शन 2014 से लंबी था, 7 साल हो गए। इस सीजन ये उम्मीद थी नए कनेक्शन मिल जाएंगे और जिन किसानों के पास पानी की कमी है उनको भी पानी की व्यवस्था हो जाएगी। पर सारा काम होने के बाद जो सरकार समय समय पे हमारे आगे कंडीशन लगाती रही, चाहे वो पाइपलाइन की हो,
बच्चा है उसके बाद जो भी कंडीशन हमारे यहाँ की लगाई चाहे मोटर एक कंपनी की अलाउड करी बीसी कंपनी की लगवाओ किसान ने हर कंडीशन पूरी की है पर अब जब बिल्कुल काम सिरे पे आ गया सरकार ने 5-7 दिन पहले एक और फरमान निकाल दिया भाई जिस किसान को नहरी पानी लगता है उसको हम कनेक्शन नहीं देंगे पहले एनओसी लेके आओ एक सच्चाई है मेरे खेत में पिछले 35 साल से पानी नहीं आ रहा नहरी पर कागजों में मेरा पानी चल रहा अब मैं जाऊंगा नहरी विभाग के पास वहां वो पानी मिलेगा मेरे कागजों में इसको पानी मिल रहा है और मेरे पास पानी 35 साल से ना नहरी खाड़ा मेरे खेत में तो ये सारा कुछ ये बहुत ही ऐसा मुद्दा है जिसमें 40,000 जो किसान है जिनके कनेक्शन है वो सारे प्रभावित होने वाले हैं तो इस करके इसका जल्दी जल्दी हल कराए नहीं खेतों में जीरी लग जाएगी ना खंबे खड़े होंगे ना बिजली की लाइन खींचेंगी और पहली बात तो मेरे को वैसे ही लग रहा है आज जितना लेट हो गए तो ये कनेक्शन सरकार की जो नियत थी हमने नहीं देने उसी को लेकर एक और कुछ दिन के लिए टालने के लिए फरमान ला दिया तो और इतना खर्चा है तो ये एक बात कहूं मैं बेटे ध्यान कर बताओ बेटे ईव जो है नी हमने ब्याज पत्र उठा के पीछे दे रखे बेटे ये सारे ठीक है मैं और बेटे देखे तू बागाला बाड़ा के बेटे हम सारा लिखा हुआ फसल फूसल भी मारी हो जाएगी बेटे ये हमारी आवाज करनाल से जो मुख्यमंत्री के पास पहुंचा दो देखो आंदोलन चल रहा है आंदोलन चल रहा है और देखो इस आंदोलन के बीच में भी ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं और कौन इनके सलाहकार है सरकार भी कंफ्यूज मारा मुख्यमंत्री भी कंफ्यूज और हमारे बड़े अफसर और 15 दिन के अंदर जी अगर ये फैसला वापस नहीं लिया ना तो ट्रिपल तैयार हो चुके हैं अगर वो ट्रैक्टर लगाकर पानी देंगे ना दांत अगर कोई उड़ाया तो किसान फिर बाहर निकलेगा छोटे तलागा और इसको डीसी साहब से भी मिलना था चलो वो नहीं मिल पाए ये फरमान बड़ा गलत है जिसका बड़ा खर्चा सारा ऊपर खर्चा हो तो आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जो तमाम किसान हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है अप्लाई किए थे आज अंकल जी 2014 में बिजली के नए कनेक्शन अप्लाई हुए थे 7 साल हो गए करीब अब 7 साल होने को है सरकार समय समय पे हमें नए नए फरमान देती रही पाइपलाइन जरूरी है वो कराओ किसान ने वो करवा ली फिर कहा अभी मोटर उस वाल की लगानी है जो ये करनाल की बनी हुई है किसानों ने उसका रोड़ा पाया फिर 7 कंपनी कर दी अब उसके बाद सरकार को फिर दिख गया भाई ये तो देने ही पड़ेंगे फिर एक नई और शरारत कर दी लाइन के पैसे भरवाए अब नई शरारत ये कर दी भाई इसमें पहले नहरी विभाग से एनओसी लेके आओ अब बहुत किसान हरियाणा में ऐसे हैं 80% जिनको पुराने समय में पानी मिलता था अब 30-35 साल से कोई पानी नहीं आ रहा पर कागजों में अभी उनका नाम चल रहा है अब जो एनओसी लेने जाएंगे उनको मिलेगी नहीं तो उससे कनेक्शन 30,000 1/3 कनेक्शन 1/4 ही कनेक्शन बचेंगे 40,000 में 30,000 कनेक्शन कैंसिल हो जाएंगे इससे बड़ा कोई और जो नहरी पानी है इससे तो जीरी की फसल पार ही नहीं हो सकती अब नहर तब आएगी जब मानसून आएगी अरे हरियाणा में तो धान अब लगनी स्टार्ट हो गई है 15 जून से तो सरकार हमारी धान लगवा रही भी कह रहे हैं 15 जून से लगाओ और उसके बाद हमारी जुलाई के फर्स्ट वीक में नहरें आती हैं वो भी कई बार पीछे बारिश ना हो बंद हो जाती हैं देखो मीडिया के रास्ते आपका भी धन्यवाद करते हैं आप इतनी बड़ी संख्या में आए हमारी आवाज को पहुंचाओ किसान तो पहले ही बहुत दुखी है पहले ही पीड़ित है और फिर सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है इस सरकार की मंशा ये है भी इनको कनेक्शन न दो इनको पानी ना हो इनकी जमीन जो है बंजर हो जा और ये भूखे मरा ये सरकार किसान विरोधी है कभी कुछ 8 साल हो गए पैसे भरवाए ना 5-5, 7-7 लाख रुपया भर लिया उनका ब्याज भी किसान पर पड़ गया लेकिन फिर भी कनेक्शन नहीं दे रहे इतनी अहंकार गंदी सरकार हमने नहीं देखी आज जुड़ी 2014 मैडम जी जो नहरी पानी होता है ना जो पिछले टाइम से कागजों में भी नहरी पानी था उसका है ना एक एकड़ को एक सप्ताह में आधा घंटा पानी मिलेगा तो वैसे भी निपार हो सकती जीरी तो कुल आधा घंटा पानी मिलता है आधे एकड़ को जब नहर का पानी हम लेके आते हैं तो 15-20 किलो दूर आना होता है नहर के पानी को आधे एक घंटे में तो पानी आता ही नहीं हमारे खेत तक इतना हमारा टाइम चला जाता है उस किसान को पानी मिल ही नहीं पाता है अब ये दिक्कत आ रही है कह रहे जिसका नहर का पानी लगता है उसको नए कनेक्शन ही नहीं मिलेंगे रद्द किया और हमारे 2014 से पैसे भरवा रखे हैं कनेक्शन के हमने 5 लाख रुपए बोर पे लगा दिए मोटर इनके कहने से डलवा दी पाइपलाइन हमने दबवा दी सारे काम करवा दिए हमने सारे काम फिट हो रहे हैं जी अभी कनेक्शन लेने का इंतजार था कभी भी ऑर्डर हो सकते हैं मैसेज आ गया था हमारे पास तुरंत एक फरमान फरमान जारी कर दिया इन्होंने भाई इसके खेत का क्या कुछ आप करने वाले हम आगे सारे यूनियन के धरने बैठे हुए हैं जी पूरा जोर विरोध करेंगे इसका सारे इकट्ठे हो गए जी
ऐसे तो हमारे खेत खाली रह जाएंगे जी, किसी के भी जीरी लगेगी जी। मोटर लेने के लिए एक कंपनी को ऑर्डर किया जी, ओसवाल की मोटर लगवाई जी सिर्फ, ने ओसवाल की मोटर लगवाई, वो भी हमारे को महंगे पैसे में मिली। जो 50,000 की मोटर थी वो 80,000 रुपए में ली हमने स्पेशल सरकार की स्कीम के तहत, यही मोटर डालनी पड़ी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को क्या? देखिए मैडम, 10 साल से इन्होंने 2-2 से 3-3 लाख पर किसान, जो 40 से 50 हजार हरियाणा में संख्या है, 2-2, 3-3 लाख रुपए किसानों का सरकार यूज कर रही है पैसा, ना कोई ब्याज का प्रावधान है। उसके बाद नए नए कानून इन पे थोपे जा रहे हैं ताकि कनेक्शन ना मिल पाए। इन्होंने पहला कानून थोपा, आप 5-स्टार मोटर लगाएं जो कि 1.5 से 2 लाख की, और जो इनकी कॉरपोरेट कंपनियां उनसे टाई अप है इनका, और सरकार को कमीशन, सरकार के जो दलाल लोग हैं वो कमीशन खाते हैं उस मोटर में। फिर इन्होंने ओसवाल कंपनी से, जो लाला रामदेव की कंपनी है ओसवाल, जिसका मालिक यहीं गुप्ता जी करनाल में है, जिसके पास रामदेव की दवाइयों की भी फ्रेंचाइजी है, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया, उसमें ये 2 लाख रुपये बचाएंगे मोटर में। उसके बाद इन्होंने का पाइपलाइन दबवाओ, किसानों ने 2-2 लाख रुपए पर एकड़ की पाइपलाइन। अब एक और तुगलकी फरमान हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने जारी कर दिया है ताकि किसान हरियाणा का मरता रहे। उन्होंने बोलिया कि जिस खेत को नहरी विभाग नहर का पानी लगता है उसको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। आज नहरे खंडे जितनी भी खाल गोर थे सब खत्म हो गए हैं, और किसान के पास सिर्फ एक ट्यूबवेल ही ऑप्शन है। कागजों में दिखाया पुराना जो शेड्यूल है जमाबंदी में, उसमें नहर दिखाई गई है, लेकिन एक्चुअल में नहर नामो निशान नहीं है। तो नहीं आता है, उसे भी पूरा नहीं होता कुछ भी, वो लगभग आधा घंटा पानी मिलता है किसान को। जो 3-4 किलोमीटर तक हमारे खेत हैं वो पानी पहुंचता ही नहीं वहां तक, लगभग एक एकड़ तक ही पानी पहुंच सकता है बस। वो कुछ नहीं, लाइव तस्वीरें करनाल से देख रहे थे जहां पर किसान जो है वो पहुंचे हैं अपनी मांग को लेकर। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, जो अभी तक किसानों ने भी जानकारी दी कि क्यों आज ये लोग यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि 2014 में किसानों द्वारा नए बिजली कनेक्शन को लेकर सिक्योरिटी भरी गई थी, और काफी लंबे समय के इंतजार के बाद अब किसानों को कनेक्शन मिलने की उम्मीद थी। लेकिन ऐसा किसानों का कहना है कि समय समय पर सरकार कोई ना कोई नया कानून लगा देती है, कोई अड़चन जो है लगा देती है, जिसके चलते किसानों को कनेक्शन जो है वो नहीं दिया जा रहा। और फिलहाल अब जो एक जो है कानून बनाया गया कि जिन खेतों के साथ नहर का पानी, जिन खेतों के नजदीक नहर है या नहर का पानी मिलता है, तो उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। वही किसानों का लगातार यही कहना है कि नहर का पानी उनके खेतों तक नहीं पहुंचता है, और इसी के चलते जो है उनकी फसल नहीं ढंग से उग पाती है, या जो खेती है उनकी वो नहीं हो पाती है। और इसी के लिए आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए किसान वे किसान नेता यहां पर पहुंचे थे, और उनका यही कहना है कि अगर इस बात पर सुनवाई नहीं होती और अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता तो और भी बड़े तरीके से जो है प्रदर्शन इनके द्वारा लगातार किया जाएगा। लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल के जिला सचिवालय से देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जो है वो किसानों द्वारा सौंपा गया। अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।